This is the first day of 2K19. First, अभी हम करके आए हैं बस ब्रेकफास्ट करके आके यहाँ पे खड़े होके बालकनी में थोड़ा सा आप व्यू देख रहे हैं, awesome व्यू है. और आज का हमारा प्लान है कि हम मणिकरण जाएंगे और मणिकरण में हम वहाँ पे वो स्प्रिंग हॉट स्प्रिंग वाटर है वहाँ पे, सो जो बहुत ज़्यादा फेमस है. और आज फर्स्ट डे है इस 2019 का ईयर का फर्स्ट डे है, तो इट्स रियली गुड. थोड़ा सा स्पिरिचुअल भी हो जाना चाहिए कभी कभी, क्योंकि अच्छा होता है थोड़ा. हमारा ईयर जो है आज स्टार्ट हुआ है और आगे पूरा साल हमारा अच्छा रहे, तो इसलिए हमने ये प्लान किया कि आज हम मणिकरण जाएंगे. तो अभी बस हम ब्रेकफास्ट करके आए हैं थोड़ा सा और फिर हम रेडी हो रहे हैं. हमारे साथ जो हैं मेरा भाई और मेरी भाभी, वो दे आर अबाउट टू कम. दे विल लीव बाय अराउंड लाइक इन हाफ एन आवर दे विल गोना लीव फ्रॉम देयर होटल और दे विल रीच हेयर. रही बात बाइक की, सो हमने दो दिन के लिए हायर करी थी बाइक, सो आज हमने बाइक को टटा बाय बाय कर दिया है, क्योंकि बाइक वैसे बहुत ऑसम थी. मतलब उसने हमारा बहुत साथ दिया है पूरी जर्नी में. दो दिन हमारे कैसे कटे पता नहीं चले. और इट्स रियली रियली गुड कि आप बाइक हायर करो, रेंट अ बाइक rather than going through the cabs and taxis because that's too expensive. और bike थोड़ा ये है कि traffic में भी आप नहीं फंसते हो. ये चीज़ हम बार बार आपसे ये चीज़ share कर रहे हैं. मनाली में अगर आप आते हो तो आप ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखो. और चीज़ guys, live video आप हमने आपके साथ promise किया था कि हम आपसे live आएंगे 31st night को 12:15 AM पे. So we did the same, but अनफॉर्चुनेटली वहाँ का जो नेटवर्क इशू था बहुत ज़्यादा था, नेटवर्क आ ही नहीं रहा था. बट स्टिल समहाउ साहिल ने काफ़ी ज़्यादा कोशिश करी, मैनेज किया, होटल वालों से बात भी करी. तो दे टोल्ड अस कि आप बाहर की साइड चले जाओ, वहाँ से सिग्नल आ जाएगा थोड़ा आ जाएगा. बट एनी हाउ हमने किया, बट क्लैरिटी नहीं आई. थोड़ा सा हमें भी अच्छा नहीं लगा, अजीब सा लगा. तो वी आर सो सो सॉरी फॉर दैट. बट at the top of that ki we love you guys aur hum aapke sath rehna chahte hain aur year ki starting aap logo ke sath karna chahte the. So chalo start karte hain aaj ka din fir hum manikaran mein. lagta hai barf padne wali hai. ye to taiyar nahi ho rahi hai, din kharab kar rahi fir se. madam taiyar ho jao. ye dekho मैं अपना ब्रश भूल आई हूँ यार, मेकअप ब्रश. पथेटिक, सो पथेटिक. I forget my brush, मेकअप ब्रश. I forget my मेकअप ब्रश. तूने लगना फिर भी बन रही है. मैंने कहीं से एक बात सुनी थी एक बारी बहुत पहले, साल पहले. पता क्या? क्या मैं गंदी लगती हूँ फिर भी? मैं तो बताता हूँ, मैंने बात सुनी थी बड़े एक महान पुरुष से कि बकरी के ऊपर शेर का मुंह लगा दो या किसका मोरनी का मुंह लगा दो या किसी का भी लगा दो, उसने करना मैं ही है मैं. तो समझ गई, तो तू जो मर्जी कर ले. गाइस अभी हम जा रहे हैं, अब यहाँ से निकलने वाले हैं और मौसम काफ़ी ठंडा हो चुका है. ठीक है, तो अभी निकल के मणिकरण जा रहे हैं. अभी वो लोग भी आ गए हमारे साथ. ओके, वहाँ जाएंगे, अभी थोड़ा टाइम लग जाएगा. आई डोंट नो, ट्रैफिक ना मिला आई थिंक. और रात का मौसम थोड़ा ठंडा हो रहा है. आई थिंक स्नोफॉल के चांसेस हैं, शायद अगर ये धूप जाएगी मे बी स्नोफॉल हो जाए. आई वॉन्ट की होनी चाहिए राइट, तो मज़ा तभी आएगा और अच्छा लॉग बनेगा राइट. तो आज हमारा यहाँ पर आखिरी दिन है, कल का है. कल हमारी इवनिंग में वॉल्वो बस है, वहाँ से निकल के वॉल्वो पकड़ लेंगे. फिर दैट्स ऑल विल बी द दिस ट्रिप विल बी ऑल अबाउट. और ये हमारा आखिरी दिन है आई थिंक, फुल फाइनल डे. तो हम बेस्ट यूज़ करेंगे, कोशिश करेंगे बेस्ट यूज़ करें इसको दिन का. ठीक है, तो गाइस चलो शुरू करते हैं आज का. बाकी हम रास्ते में मिलते हैं. आए कोशिश करूँगा आज आपको अच्छे से व्यूज दिखाऊँ रास्ते में, आपको नहीं दिखाया गया था वॉल्वो में. ठीक है,
गाइस पहुंच गए अभी हम मणिकरण गुरुद्वारा पे राइट लाइक बहुत अच्छा व्यू दिख रहा है यहाँ से और आप आफ्टर 3 or 3.5 घंटे की राइड करके राइड करके पहुंचे यहाँ पे बहुत टायरिंग था जर्नी ट्रैफिक की वजह से ऑब्वियसली तो इट वाज ऑसम अभी आप देख सकते स्मोक देख सकते हो तो स्टीम वाटर आ रहा है आपको पता ही होगा यहाँ पे थोड़ा फेमस है यहाँ पे जिसको नहीं पता है मैं बता दूँ उसको यहाँ पे गर्म पानी निकलता है नेचुरली ओके पहाड़ों के बीच से हॉट वाटर स्प्रिंग और हम इसके अंदर अभी हम लोग यहाँ जो प्रसाद होता है वो है कड़ी चावल और चावल जो है इस गर्म पानी में वो पकाएंगे पका के हम तो हम वो आपके साथ शेयर करेंगे अभी आपको दिखाते हैं तो हम जस्ट एंटर हुए हैं और देखते हैं अंदर कैसा है गुरुद्वारा तो वी आर सो एक्साइटेड आफ्टर सच अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम वी आर सीइंग हियर चलो देखते हैं आगे चलते हैं यहाँ पे स्टीम वाटर है यहाँ लोग नहाते हैं ये गर्म पानी है यहाँ पे ये देखो कैमरे पे भी वो सारी है नहा रहे हैं यहाँ पे अभी ऐसा लग रहा है यहाँ पे आ गया थोड़ा वार्म वार्म फील हो रहा है यहाँ पे सोना यहाँ पे फर्स्ट टाइम आई यहाँ पे कैसा लग रहा है अच्छा लग रहा है ये गर्म गर्म पानी इतनी ठंडी जगह से आके इतने गर्म गर्म पानी में मतलब जन्नत लग रही है कैमरे में भी हो सा रही है स्टीम ਸਾਧੁਰ ਗੁਰ ਨਿਰਭੈਰ ਹੈ ਨਿਤ ਹਿਰਦੈ ਲਿਵਲਾਏ ਨਿਰਭੈਰ ਨਾ ਵੈਰ ਚੈਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੁਕੀ ਲਾਏ ਅੰਤਰ ਕਰੋਧੰ ਗਾਰੇ ਅੰਤਨ ਜਲੇ ਸਦਾ ਦੁਖ ਪਏ ਕੂੜ ਗੋਲ ਬੋਲੇ ਪੌਮ ਦੇ ਵਿਕਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਭਾਏ ਬਿਖ ਮਾਇਆ ਕਾਰਨ ਭਰਮ ਦੇ ਫਿਰ ਘਰ ਘਰ ਪਤ ਗੁਆਏ ਇਸ ਵਾਕੇ ਗੁਰੂਜਿਓ ਪਿਤਾ ਨਾਮ ਦੇ ਜਾਏ ਹਰ ਨਾਨਾ ਚੇਤਨੀ ਦੱਤੇ ਭਾਏ ਹਰ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ ਜਨਾ ਨਾਨਕ ਜਨ ਵਿਚਰੇ ਆਪ ਮਿਲਾਏ ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਿਸ ਬਲਿਹਾਰ ਨੇ ਜੋ ਸਾਤੁਰ ਲਾਗੇ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵਪਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਜਿਸ ਸਾਚੇ ਦਰਬਾਰ ਸੱਚਾ ਲੋਕਾ ਤੱਕ ਸਾਚਾ ਅੰਤਰ ਕੇ ਕਰਤਾਰ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤੇ ਸੇ ਧਨਵੰਤ ਹੈ ਨਿਰਧਨ ਹੋਰ ਸੰਸਾਰ ਜਾਨ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ लंगर खा रहे हैं गाइस मणिकरण में ये कड़ी चावल जो आपको बताए थे ना हॉट स्प्रिंग वाटर में चावल पकाते हैं पानी से हमें राइस बन रहे हैं इसके अंदर ये गर्म पानी से इसके भाप से ये राइस बन रहा है इसके अंदर राइस भाप से स्टीम से सब राइस बन रहे हैं इसमें अब क्या पानी रखो जैसे बॉइलिंग बॉइलिंग वाटर है आप देख रहे हो जैसे ये हॉट स्प्रिंग है गर्म पानी है ये यहाँ एक गर्म पानी का धुआं आ रहा है पीछे से आप देख रहे हो धुआं काफी है
उसका पूरा स्टीम है ये गर्म पानी का, इतना हैवी स्टीम वाटर है ये। मतलब यहाँ अपन जिसको नहीं पता, यहाँ पे जैसे मैंने बताया था पहले गर्म पानी निकलता है और साइड में ही रिवर है तो जिसमें कोल्ड आइसी वाटर है। गाइस लंगर कर लिया, खाना भी लंगर कर लिया, मत्था टेक लिया, सब कुछ कर लिया, वॉज लाइक ऑसम ठीक है। और बहुत टेस्टी था लंगर, दर्शन भी हो गए अच्छे खासे और अच्छा लगा काफ़ी। अच्छा लगता है यहाँ पे कैसे आना, बहुत दूर एकदम, तो ऐसा देखना बहुत चमककारी थिंग, लाइक यू नो मेडिकल थिंग। यहाँ गर्म पानी आ रहा है और यहाँ पे एकदम कोल्ड आइसी वाटर है, तो आके बड़ा शांति से मिलती है। होते पानी मिक्स नहीं होता, हॉट वाटर अलग है, उससे इतना ज़्यादा स्मूथ, आप यू कैन सी कितना ज़्यादा स्मूथ आ रहा है। सो दिस इज मिरेकल, ये सिर्फ इंडिया में ही हो सकता है। कि यहाँ की मान्यता है कि गुरु गोविंद साहिब ने तपस्या की थी और शिव जी जी ने यहाँ पे, उनको जब गुरु गोविंद सिंह जी को भूख लगी थी तब उनके लिए उन्होंने त्रिशूल जमीन पाया था और गर्म पानी निकला था, तब उन्होंने चावल बना के खाए थे। सो तब से अभी तक कितने सदियाँ हो गई कि अब मतलब हम लोग अभी भी मतलब ऐसे इस चीज़ को यू नो रिचुअल को अभी तक फॉलो कर रहे हैं। सो यो गाइस व्हाट्स अप, गुड मॉर्निंग, दिस इज़ डे 4 और कल हम एक्चुअली मणिकरण से वापस आ गए थे। पूरा दिन मणिकरण निकल गया जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रैफिक, तो हम सुबह उठे आज कहीं और जाने के लिए, लास्ट डे आज हमारा। इवनिंग में हमारी बस है तो सोचा थोड़ा डे आफ डे आज यूटिलाइज करें, कई अच्छी जगह पर जाके राइट। और बाहर में देखा तो मौसम वॉज लाइक आई थिंक स्नोफॉल होने वाली है थोड़ी देर में, और कहीं ना कहीं हो चुकी है अभी। इट्स लाइक देखो ओके सो ये पीछे का मौसम देख लो आप, देखो स्नोफॉल थोड़ी थोड़ी यहाँ पड़ी है जो पहले नहीं थी यहाँ पे, तो यहाँ पे स्नोफॉल पड़ी पहले और पीछे भी पूरा वाइट हो रखा है। अभी ठंड लग रही है यहाँ पे, एकदम चिली चिली वाइब्स आ रही हैं। आई होप आपको भी हमारी वीडियोस देख के चिल वाइब्स आ रही हो मनाली की, बहुत अच्छा था। और अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, बस थोड़ी देर में ब्रेकफास्ट करके होटल को चेकआउट कर लेंगे और लगेज हमारा रहेगा हमारे कैब में। टिल देन हम थोड़ा घूमेंगे और फिर हमें वो बाद में हमें बस स्टैंड पे मनाली के बस स्टैंड पे ड्रॉप कर देगा। तो बस यही प्लान है आज का, थोड़ा आज आपको और हैवी स्नोफॉल कोशिश करेंगे, हैवी स्नोफॉल दिखाने की। और मनाली में तो पड़ चुके हैं, जहाँ हम जाएंगे वहाँ और ज़्यादा होगी और इसका नाम पता करके बताता हूँ आपको। तो यार आज हम गुलाबा जा रहे हैं जो वहाँ की थोड़ा हैवी हाइट पे है, और तो गुलाबा जाके वहाँ पे काफ़ी हैवी स्नोफॉल हो रखा है और वहाँ पे काफ़ी स्नो होती है हमेशा। गुलाबा हमें इसलिए चुना था क्योंकि वहाँ ट्रैफिक कम रहता है और ऐसे भी आज 2nd of January है तो थोड़ा सीज़न कम हो गया, ऑफ सीज़न है तो बहुत प्रॉब्ली ट्रैफिक कम होने वाला है। वही डे 3 nights 4 days का ही हमारा ट्रिप था, तो आज ये 4th day है लास्ट, तो 3rd and 4th day को मैंने अभी कंबाइन कर लिया है थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा दिखाने के लिए, क्योंकि कुछ मैं दिखा नहीं पाया ठीक से, हम आपको ट्रैफिक में फंसे रहे पूरा दिन, वेस्ट हो गया सबका मूड ऐसे ही हो गया थोड़ा बहुत। चलो अभी विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द व्लॉग ओके एंड करते हैं मज़े। Guys.
यहाँ पे स्नोफॉल हो चुकी है एज यू कैन सी, यहाँ पे लाइव भी जा रहे हैं ओके सो आप देख रहे हो जैसे यहाँ पे स्नोफॉल हो गई है और काफ़ी अच्छा लग रहा है, बहुत फ्रीजिंग वाला कूल्ड हो रखा है यहाँ पे, एकदम मस्त मौसम, यू कैन सी दिस वाओ, एकदम चिल चिल जैसे आपने देखा होगा, एकदम मस्त हैवी टाइप स्नोफॉल हो रही है और हम हाँ वो भुट्टा खाएंगे, भुट्टा भुट्टा खा रहे हैं वैसे ठंड में, एकदम मस्त मस्त मज़ा आ रहा है। कभी हम और ऊपर जाने की कोशिश करेंगे, माइक पूरा गीला हो गया मेरा कैमरे का, तो बाकी एकदम मस्त, आई होप आपको अच्छे अच्छे वाइब्स आ रहे होंगे वीडियो देख के, काफ़ी अच्छा लगता है ऐसे मौसम में आना, कभी बाहर आना आना सफल हो गया एक्चुअली, जिसके लिए मैं सोच रहा था, जिसके लिए मैं लाइक सोच रहा था आने की, सी अब यहाँ पर थोड़ा हैवी होने लग गई स्नोफॉल। पड़ गई बहुत सारी, एज यू कैन सी हम गाड़ी में भी जा रहे हैं आगे, ठीक है तो अभी ऊपर जाके आप सब बात करते हैं, बाकी आप थोड़े बहुत इंजॉय करो व्यूज़, अभी अभी फ्रेश अभी अभी मनाली में फ्रेशली अभी स्नो हुई है फ्रेश अभी, तो अभी करते हैं बात, अभी अभी धीरे धीरे अभी स्नोफॉल और हो रही है और वहीं अंदर जा रहे हैं स्नोफॉल के अंदर। फाइनली वी रीच टू स्नोफॉल डेस्टिनेशन, वाओ इट्स रियली अमेजिंग गाइस, यू कैन लुक इट आउट, लुक एट दिस, ये कैसे यहाँ पे ये सब इकट्ठी हो गई है, छोटी छोटी दिया हाथ में नहीं आ रही थी। अभी एज यू कैन सी हम बस में आ गए अभी और ठंड लग रही है पूछा राइट और अब हम घर जा रहे हैं एंड चावल आई थिंक ब्लॉग एंड करते हैं यहाँ पे और हमारा ट्रिप भी एंड करते हैं यहाँ पे, बहुत मस्ती कर ली आपने देखा, स्नोफॉल भी हुई बाहर, अभी मौसम बहुत खराब है ओके सो अब निकलते हैं यहाँ पे वापस दिल्ली जा रहे हैं घर, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज एंड आई होप यू लाइक दिस ऑल माई ब्लॉग, जितने भी मैंने मनाली ट्रिप्स के डाले प्लीज सब्सक्राइब करना एंड जिसने नहीं किया है प्लीज सपोर्ट करो यार एंड हमने बहुत एंजॉय किया गाइस, अपकमिंग ट्रिप्स भी और भी प्लान्स हैं, व्लॉग्स आपके साथ शेयर करेंगे राइट, बाकी आपको जो जो अच्छे लगे आप हमें बताना, टिल देन हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपको मिलते हैं एक न्यू व्लॉग के साथ, बाकी मनाली का ट्रिप बंद करते हैं एंड सी यू, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।